तो आइए देखते हैं। वेन्यू की बात करूँ, ये मैच फिर से शारजाह में होने वाला है, जहाँ की पिच स्लो रहेगी और बॉलर्स को मदद करेगी, स्पिनर्स को खास करके मदद करेगी, और बैट्समैन को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है बैटिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए दो टीम बनाई है, तो हैव अ लुक। और मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ही टीम ग्रैंड लीग की है। स्मॉल लीग की टीम मैं लास्ट में आपको बना के दिखा दूंगा। एज ए विकेट कीपर मैंने डिक वेला को लिया है, बैट्समैन में उपुल थरंगा, हैरिस सुहेल को मैंने लिया है, थिरिमने को लिया है, इमामुल हक को लिया है। ऑलराउंडर में शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज एंड सिसारा परेरा को लिया है। बॉलिंग में हसन अली, धनंजिया एंड सदाब खान को लिया है। मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको अभी नहीं दूंगा, लास्ट में दूंगा, पहले टीम आप देख लो। कैप्टन मैंने यहाँ पे शोएब मलिक को बनाया है, वाइस कैप्टन सदाब खान को बनाया है। ये टीम का प्रीव्यू है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्टोरी बताता हूँ कि इस मैच में क्या रहने वाली है या कौन से प्लेयर खेलेंगे कौन से नहीं। एक्चुअल में स्मॉल लीग की टीम मैंने इसमें इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि लास्ट मैच है, पाकिस्तान की टीम में काफ़ी चेंज होने वाले हैं, काफ़ी क्या दो तीन चेंज होंगे, जैसे कि बाबर आजम को लेकर के डाउट है, वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो 50-50 चांस है, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप कम पैसा लगाओ इस मैच में, क्योंकि काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। वैसे कोच ने ऑलरेडी कहा है कि मिकी ऑर्थर ने कि 5-0 से जीतना चाहेंगे, तो ये कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो सभी चाहते हैं 5-0 से जीतना, तो ये कहने वाली बात तो है नहीं, कौन नहीं चाहेगा क्लीन स्वीप करना, ठीक है, चलिए वो तो अलग बात है। इसके अलावा आप यहाँ पे, मैं श्योर शॉट प्लेयर बता देता हूँ जो कि खेलेंगे, जैसे कि डिकवेला हुए, चलिए मैं ये अभी नहीं बताता हूँ, मैं आपको स्मॉल लीग की टीम अभी बना के दिखाऊंगा तब बताऊँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, आप थिरिमने को, डिकवेला को, इमामुल हक को, थरंगा को, थिसारा परेरा को, हफीज को, ये सारे ही अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, तो आप इनको बना सकते हैं। मैं आपको क्विकली सेकंड टीम दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सरफराज अहमद को लिया है, बैटिंग में उपुल थरंगा, हैरिस सुहेल, कपू गेदरा को मैंने लिया है, इमामुल हक को लिया है, ऑलराउंडर में मैंने तीनों सेम ऑलराउंडर लिए हैं, शोएब मलिक, हफीज एम परेरा, बॉलिंग में हसन अली, धनंजिया, सदाब खान, ये भी मैंने सेम रखा है। यहाँ पे बस मैंने कपू गेदरा को ले लिया है, ठीक है, थिरिमने को हटा के। कैप्टन मैंने यहाँ पे हैरिस सुहेल को बनाया है, थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है। वाइस कैप्टन शोएब मलिक को बनाया है। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन का सेम ऑप्शन है, कपू गेदरा को आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बनाओ, ठीक है। एंड इसके बाद अब मैं आप सभी को प्लेयर्स की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको स्मॉल लीग की टीम बनानी है तो आपको सेफ प्लेयर लेने होते हैं, तो आप इन दोनों को ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी को भी लो, दोनों ही सेफ हैं। तो मैं अभी स्मॉल लीग में डिकवेला को ले रहा हूँ क्योंकि ये ओपनिंग करते हैं। बाबर आजम को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। थरंगा को आप ले सकते हो, ये भी कन्फर्म ही खेलेंगे। चंडीमल पे थोड़ा रिस्क है, चंडीमल की जगह कपू गेदरा खेल सकते हैं, या चंडीमल की जगह हो सकता है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि, यानी चंडीमल की फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही, तो इनकी जगह कपू गेदरा को चांस दिया जाता जा सकता है, मेरे को लगता है दिया जाएगा, या तो कपू गेदरा को चांस दिया जा सकता है, श्रीवर्धना को हटा के भी दिया जा सकता है, बट श्रीवर्धना को आई थिंक नहीं हटाया जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, बट फिर भी कपू गेदरा का चांस है खेलने का, ठीक है। तो वो चंडीमल की जगह पर खेले या तो श्रीवर्धने की जगह पर खेले, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, बट मैं इस टीम में रिस्क नहीं लूँगा। यहाँ पे फ़कर जमान को आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इनको भी रिस्क है क्योंकि कोच ने कहा है कि इनकी फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही, बट मेरे को लगता है चांस दिया जाएगा। अदरवाइज़ इनकी जगह पे हैरिस सुहेल को खिलाया जा सकता है, इनकी जगह पे, या तो बाबर आजम की जगह पे, तो हैरिस सुहेल तो खेलेंगे। तो वैसे अभी फ़िलहाल मैं सेफ प्लेयर की बात कर रहा हूँ, तो इमामुल हक को मैंने ले लिया यहाँ पे, इसके अलावा थिरिमने को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीन सेफ प्लेयर लिए हैं। इसके अलावा शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, तिसारा परेरा, तो इस तरीके से सेवन प्लेयर हो गए। चार आप बॉलर ले लो, एक, दो धनंजय, तीन एंड चार में आप ले लो गैमेज को ले लो, ठीक है, या तो आप उस्मान खान को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्मॉल लीग की टीम होगी, लेकिन थोड़ी सी नॉन बैलेंस्ड टीम हुई है, बिकॉज अभी बहुत से प्लेयर्स का कंफर्म नहीं है, इसलिए स्मॉल लीग आप कम खेलो इस मैच में तो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे कैप्टन आप बना सकते हो शोएब मलिक को, वाइस कैप्टन आप सिसारा परेरा को बना सकते हो। तो ये एक स्मॉल लीग की टीम हो गई, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्मॉल लीग की टीम है। यहाँ पे आप देख सकते हो श्रीलंका के मैंने ज़्यादा बैट्समैन लिए हैं, क्योंकि तो पाकिस्तान में चेंजेस के चांस है, जैसे कि बाबर आजम हो सकता है ना खेले, फ़कर जमान हो सकता है ना खेले, तो थोड़ा सा रिस्की है। तो बॉलर्स में तो कन्फर्म ही ये सब खेलेंगे, ठीक है, तो बैट्समैन को लेकर के थोड़ा डाउट है, तो हो सकता है कि श्रीलंका बाउंस बैक करे और जीते, तो ये एक स्मॉल लीग में आप ये टीम यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या हो सकता है। श्रीलंका की तरफ से डिकवेला एक, बैटिंग में उपुल थरंगा दो एंड
चंडीमल हो सकता है खेलेंगे, तो 3 एंड 4 में थिरुमने, 5 में मैं भी कपूगेदरा को मान के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, तो थिसारा परेरा 5, श्रीवर्धने 6 एंड बॉलिंग में धनंजय 7 एंड लखमल 8 एंड गैमेज 9। अब बचे 2 प्लेयर, तो 10th प्लेयर प्रसन्ना खेलेंगे और 11th में थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सदीरा समरा विक्रमा लास्ट मैच खेले थे लेकिन कुछ खास परफॉर्म इन्होंने नहीं किया था, आप देख सकते हैं -1 में पॉइंट है, तो इनकी जगह पे भी कपूगेदरा आ सकते हैं और या तो चंडीमल की जगह पे भी आ सकते हैं और श्रीवर्धना की जगह पे भी आ सकते हैं, ठीक है, तो 11th स्पॉट के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये 11वें प्लेयर हो गए, ठीक है, दोनों में से कोई एक, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा चेंज है नहीं, तो मैं आप सभी को जल्दी जल्दी बता देता हूँ, यहाँ पे केवल एक दो चेंज हो सकता है, जैसे कि बाबर आजम और फ़कर जमान, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, बाबर आजम और फ़कर जमान में से कोई एक खेलेगा, लेकिन ज़्यादा चांस फ़कर जमान का है, और जो रिप्लेस होगा उसकी जगह पे हैरिस सुहेल आएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बात, तो सेम प्लेइंग 11 रहेगी जो कि लास्ट मैच में थी, केवल एक दो चेंज हो सकते हैं, फ़कर जमान की जगह हैरिस सुहेल आ सकते हैं या तो बाबर आजम की जगह आ सकते हैं, बाबर आजम का कम चांस है, फ़कर जमान का ज़्यादा चांस है, बस ये एक चेंज एक्सपेक्टेड है। तो आप सभी को आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, मैं लास्ट में प्रीव्यू फिर से दिखा देता हूँ, ये पहली टीम है, टीम 2 है, ये टीम 1 है, ठीक है, और ये टीम 3 है स्मॉल लीग की। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर देना, कोई भी न्यूज़ आती है किसी प्लेयर के बारे में तो मैं ट्विटर पे आपको बता दूंगा, तो आप ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आपका होस्ट इंदो संगोरी साइनिंग आउट, बाय बाय।